हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आज मैं आपके लिए एक नेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन का वीडियो लेकर आया हूँ। ये एग्जीबिशन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स बड़ौदा में हो रहा है। फाइन आर्ट्स की जो आर्ट गैलरी है उसमें ये एग्जीबिशन हो रही है। इसको ऑर्गेनाइज किए हैं सुभद्रा आर्ट गैलरी भुवनेश्वर। ये एग्जीबिशन असम से शुरू हुई, उसके बाद भुवनेश्वर, नागपुर, भोपाल, अहमदाबाद और अभी ये बड़ौदा में हो रही है। इसमें पूरा इंडिया के आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मैं भी हूँ। यहाँ के वाइस चांसलर के द्वारा ये एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया और इस एग्जीबिशन को यहाँ के बड़े आर्टिस्ट जो बड़ौदा में रहते हैं उन्होंने विजिट किए और फैकल्टी के स्टूडेंट्स और बड़ौदा के बहुत सारे लोग यहाँ एग्जीबिशन को देखने आए थे। ये एग्जीबिशन का शीर्षक है मोदी @20। इनमें इस सब्जेक्ट पे आर्टिस्टों को कहा गया था कि वो अपना विचार व्यक्त करें पेंटिंग के माध्यम से। 1914 से लेकर आज तक मोदी जी के जो भी उपलब्धियां हैं, उन्होंने देश के लिए जो जो किया है, उनके शासनकाल में जो प्रगति हुई है और उनके विचारधारा को दर्शाते हुए आर्टिस्ट को कहा गया था कि वो अपना पेंटिंग्स बनाए। ये जो सारे पेंटिंग्स देख रहे हो, ये भिन्न भिन्न आर्टिस्ट के भिन्न भिन्न काम है। उन्होंने कोशिश किए हैं कि ये सारे विचार को मन में रखते हुए पेंटिंग को आकार दे, साकार रूप से प्रस्तुत करें। ये जो ब्लू कलर की पेंटिंग है और ये वाली पेंटिंग, ये दोनों मैं और लिपि दोनों की है। जो हमारे चैनल देखते हैं उनको पता होगा। यहाँ एक ही स्कल्पचर है जो मेटल की है। ये स्कल्पचर बनाए हैं आर्तबंधु राउत, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट है। ये आपका आंखों के सामने है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर है। और अलग अलग तरह के काम, अलग अलग स्टाइल के काम आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। कुछ हाइपर रियलिस्टिक है, कुछ थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है और उनमें मेरा एक काम है जो कॉन्सेप्चुअल है। ये काम अभी आने वाली है। ये जो काम है, ये भी बहुत खूबसूरत काम है, जिसमें अखंड भारत दिखाया गया है। ये अलग अलग तरह के काम, कोई वाटर कलर है, कोई इंक यूज़ किए हैं। ये मेरा काम है, ये कॉन्सेप्चुअल काम है। ये काम में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट हुआ था, जिसमें मैंने एक दीवार बनाई है जिसमें ये लिखा हुआ है, कड़क है, गर्म है और चाय के कप से उठने वाले धुआं एक भारत का मानचित्र बना रहा है और एक कटी हुई हाथ है। उसको लेके काफ़ी चर्चा हुई थी, जो थोड़ा सा नेगेटिव वे में हुई थी। फिर भी आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन है, आर्टिस्ट का फ्रीडम है, वो अपना हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रिट करता है। हो सकता है कि मैसेज उल्टा जाए पब्लिक के पास या वो उनको अलग तरह से इंटरप्रेट करे। और पेंटिंग का मज़ा यही है कि हम स्कोप देते हैं जो ऑडियंस है उनके लिए, कि वो अपना तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन आर्टिस्ट का व्यू लेना बहुत ज़रूरी है कि आर्ट जो बनता है आर्टिस्ट ने क्या सोच के बनाया है, तो वो ज़रूरी है।
तो इसलिए आर्टिस्ट का व्यू हर एक जगह लिया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं लिया गया और ये एक चर्चा का विषय बनी थी। मिस्टर ज्योति भट्ट जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, जिनका नाम पेंटिंग में और फोटोग्राफी में पूरा इंडिया में प्रसिद्ध है, उन्होंने हमारे एग्जीबिशन को विजिट किए थे, जिनका फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो। उम्मीद है आपको ये एग्जीबिशन का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।